हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निसिप कोल एंड फ्लू टैबलेट के बारे में, जो कि एक एंटीकोल टैबलेट है। नज़ला हो, खांसी हो, जुखाम हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये निसिप कोल एंड फ्लू टैबलेट जो कि सिप्ला कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 58 रुपीज़ है, जो कि एक स्टिप में 10 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों, ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं, पैरासीटामोल 500 mg, फेनिफायरिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, कैफीन 30 mg एंड डाइफेन हाइड्रामाइन 25 mg अवेलेबल है। दोस्तों, निसिप कोल एंड फ्लू टैबलेट जो कि एंटीकोल्ड टैबलेट है, कॉमन कोल्ड के लिए सबसे बेस्ट टैबलेट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया इसका। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं इस टैबलेट को। दोस्तों, इस टैबलेट को कॉमन कोल्ड में यूज़ की जाती है। नंबर 2, नज़ला हो, खांसी हो, जुखाम हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, बार बार छींक आना तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, आँखों से पानी आना कोल्ड की वजह से। नंबर 5, नाक बहना। नंबर 6, बुखार हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें पैरासीटामोल डाला गया है, तो बुखार में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। नंबर 7, कोल्ड वाली एलर्जी हो तो उसमें भी बेटर रिजल्ट है। तो दोस्तों, इस टैबलेट को इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज़ कैसे करें इस टैबलेट को। एडल्ट बड़े को 3 में 2 बार लेना होता है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में खाना खाने के बाद। ठीक है दोस्तों, कैसे लेना है, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना होता है और खाना खाने के बाद। चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज़ करें तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर 1, इस टैबलेट को ओवरडोज ना लें। नंबर 2, लीवर किडनी वाले पेशेंट इस टैबलेट को यूज़ ना करें। नंबर 3, यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। बाय द वे, कोई केस में ये दिखे जैसे कि नोजिया, स्लीपनेस, ड्राई माउथ तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस टैबलेट का यूज़ करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो निसिप कोल एंड फ्लू टैबलेट के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया एंटीकोल्ड टैबलेट है और इसमें और भी कई फॉर्म अवेलेबल है एंटीकोल्ड में, जैसे कि सीनारेस टैबलेट हो गया, ये भी एक एंटीकोल्ड है, सोलविन कोल्ड हो गया, चेस्टन कोल्ड टोटल हो गया और चेस्टन कोल्ड टैबलेट हो गया, ये भी एक एंटीकोल्ड टैबलेट है, तो इत्यादि भी परचेज कर सकते हैं आप। तो ये सारे एंटीकोल्ड आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।